अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस अल्लाह पाक का जिसने बीमारी बनाने से पहले हमें इलाज जो है अता किया है। माशाल्लाह से ये जो ठीकरी की भाजी देख रहे हैं आप लोग, ये जो के बड़ी आसानी से आप लोगों को हरे भरे जंगल में मिल जाएगा। देख सकते आप लोग आज ये कचरे में मौजूद है जिसकी हमें कीमत जानना जरूरी है। देख सकते आप लोग ये ठीकरी की भाजी, ये पुनर्नवा का पत्ता जो कि आपको बैक साइड से इस तरीके से व्हाइट होता है और सामने से जो इस तरीके का होता है और ये पूरा फैल जाता है। देख सकते आप लोग पूरा ये जो है फैल जाता है। और अब जो मेरे ये हाथ में मौजूद है, देख सकते आप लोग ये जो मेरे हाथ में मौजूद है ये पुनर्नवा, इसके इस्तेमाल से आपकी जो किडनी श्रिंक हो रही है यानी जो छोटी हो रही है, इसका काढ़ा उबाल के पीने से एक मुठ्ठी का पत्ता लेकर आपकी किडनियां जो है दिन ब दिन इंशाल्लाह खुलेंगे और आपका जो क्रिएटिन लेवल का मसला है इंशाल्लाह दिन ब दिन हल होता जाएगा। और खास तौर पे डायलिसिस जिसके चल रहे हैं उन लोगों के लिए इसकी भाजी बनाकर खाना जरूरी है पुनर्नवा की। और इसे आम तौर पर जो है इसको ठीकरी की भाजी भी जो है कहा जाता है। मेरे नॉन मुस्लिम भाई अक्सर इसे पुनर्नवा कहते हैं। और किडनी स्टोन के लिए भी ये बेहद मुफीद है। आप लोग क्या करिए, एक मुट्ठी इसका पत्ता किडनी स्टोन वाले पेशेंट खास तौर पे दो गिलास पानी में हटा के एक गिलास करकर इसके दिन में दो दफा जरूर पीजिए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी जो किडनी का क्रिएटिन है वो भी खत्म होगा और किडनी जो सिकुड़ी वो भी इंशाल्लाह श्रिंकेज प्रॉब्लम जाएगा और स्टोन का भी मसला हल होगा और इंशाल्लाह आपका मुकम्मल तौर पर इससे गुर्दे पाक होंगे और ताकतवर बनेंगे। ये एक चीज में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुदरतन जो है गुर्दे का इलाज रखा हुआ है। लोगों तक बस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़।